नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर अलग अलग वर्ग को साधने में जुटे हैं और ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर है। उत्तर प्रदेश में भले ही सभी सियासी दल इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हों, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने की और मंगलवार को बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग विचार सम्मेलन का समापन लखनऊ में होगा, जिसे खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी। प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी के जरिए चुनाव से ठीक पहले बीएसपी अपनी ताकत दिखाने में भी जुटी है। वहीं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर, प्रमुख चौराहों पर इन दिनों आपको बीएसपी के ही होल्डिंग बैनर नजर आएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की शुरुआत अयोध्या से की थी, उसका समापन आज राजधानी लखनऊ में होगा और इसमें पार्टी प्रमुख मायावती प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगी। तो आज बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी, लखनऊ में इसका समापन होगा। आपको बताते चलें कि अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी बसपा ने और आज उसका समापन मायावती प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। गौरव, आज मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन करने वाली हैं, कब तक शुरू हो सकता है यह कार्यक्रम? जी हां अदिति, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लगभग एक महीने पहले जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बसपा द्वारा शुरू किए गए थे, उनका आज समापन किया जा रहा है। लगभग 11 बजे बसपा प्रमुख बहन मायावती इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और इसके लिए सभी 75 जिलों से बसपा कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया है। गर्व, इस वक्त कैसी तस्वीर आपको बसपा मुख्यालय के बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम कोऑर्डिनेटर्स, तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता बसपा के यहाँ जाहिर सी बात है पहुंच रहे होंगे, प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करने वाली है मायावती, क्या माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा कि जिस तरह से बसपा नारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, उसके लिए बापा होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, सब जगह प्रबुद्ध जनों की पुकार, अब की बार बसपा सरकार, इस तरह के बैनर लगाए गए हैं और जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश बसपा द्वारा की जा रही है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और साथ ही साथ अब इस धुरी पर सपा भी चल रही है और बसपा द्वारा भी, भाजपा द्वारा भी सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन गौरव देखिए, अहम ये बात है कि हर बार जब चुनाव आते थे तो मायावती कहीं ना कहीं अपने वही दलित वोटर्स को साधने की कोशिश में नजर आती थी, दिखती थी, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद अलग, बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सभी पार्टियां और खासतौर से मायावती प्रबुद्ध जनों को अपने पाले में करने की तैयारी में जुटी हुई है। कितना अहम हो सकता है आज का ये संवाद मायावती के लिए, बसपा के लिए? अदिति जी, मैं आपको बता दूं, 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी उसमें प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस समय भी ब्राह्मण और दलित समाज को एकजुट करके सरकार बनाई गई थी। उसी धुरी पर चलते हुए बहन जी ने दोबारा उनको प्रबुद्ध जन की याद आई है और उन्हीं उसी वोट बैंक को साधने के लिए बसपा द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए गए थे। गौरव, क्योंकि हर बार जो विपक्षी दल हैं बीते कई दिनों से, बीते कई महीनों से या यूं कहें कि सालों से ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो ब्राह्मण हैं उनका उत्पीड़न कर रही है सरकार, क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज संवाद करेंगी मायावती? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से आज ब्राह्मण समाज पे कई पिछले दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये मैसेज किया है कि ब्राह्मण समाज किस समय शोषण हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इन्हीं कुछ चीज़ों को देखते हुए। और जाहिर सी बात है प्रबुद्ध वर्ग का अपना एक रुतबा है, एक व्यवस्था है, एक उनका एक आंकड़ा है जिसको लिए सारे दल जो भी हैं, बसपा हो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सारे दल तैयारी कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं जिससे प्रबुद्ध वर्ग के जो एक वर्ग है उसको संभाला जा सके। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज समापन होगा लखनऊ में, बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मायावती खुद संवाद करेंगी प्रबुद्ध जनों के साथ और सभी पार्टियां, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और प्रबुद्ध वर्ग को अपने पाले में करने के लिए, प्रबुद्ध वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही हैं। बसपा के सम्मेलन का आज समापन होगा। बीते एक महीने से ये सम्मेलन लगातार जारी था, सभी 75 जिलों में सम्मेलन कराया जा रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की गई थी, जिसका आज समापन बसपा सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए करेंगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।